नमस्कार। कक्षा सप्तम विषय विज्ञान अध्याय 3 रेशों से वस्त्र के अभ्यास प्रश्न को आज हम हल कराएंगे। प्रश्न 1, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। क, बाबा ब्लैक सी हैव यू एनी वूल। ख, मेरी हेड ए लिटिल लैम्ब हूज फ्लीस वास वाइट एस स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि फर्स्ट, ब्लैक शीप अर्थात काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। उत्तर 1, फर्स्ट, ऊन हमें काली भेड़ों के बछड़े के शरीर के बालों से मिलती है। सेकंड, मेमने लैम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। उत्तर, मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य है मेमने अर्थात लैम्ब की त्वचा के सफ़ेद बाल। प्रश्न 2, रेशम कीट आ कैटरपिलर बा लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। का, केवल आ। खा, केवल बा। गा, आ और बा। घा, ना ही। घा और ना बा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो विकल्प आ है कैटरपिलर है और बा लार्वा है, तो रेशम कीट ये दोनों हैं। अर्थात प्रश्न 2 गा विकल्प आ और बा सही है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। कायाक खाऊंट गा बकरी घा घने बालों वाला कुत्ता। आप सभी लोग जानते हैं कि विकल्प क खा गा याक ऊंट और बकरी से हमें ऊन प्राप्त होती है, अतः विकल्प 3 घा घने बालों वाला कुत्ता से ऊन हमें नहीं प्राप्त होती है, अतः यही विकल्प सही है, 3 घा घने बालों वाला कुत्ता। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। फर्स्ट, पालन। सेकंड, ऊन कटाई। थर्ड, रेशम कीट पालन। पालन, आप लोग सब जानते हैं कि पालन का अर्थ है किसी की देखभाल करना, पोषण करना और उसे पोषण द्वारा बड़ा करना। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि पालन का अर्थ है किसी की देखभाल करना, पोषण करना और बड़ा करना। 4 सेकंड, ऊन कटाई। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत से उतार लिया जाता है, यह प्रक्रिया ही ऊन कटाई कहलाती है। रेशम, थर्ड तीसरा विकल्प है रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना ही रेशम कीट पालन कहलाता है। प्रश्न 5, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखना है। ऊन कटाई विकल्प खाली है, रिक्त है। छटाई, इसके बाद 2 विकल्प रिक्त हैं। तो ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों का क्रम इस प्रकार है, ऊन कटाई, अभिमार्जन, अतिरिक्त स्थान पर हम अभिमार्जन लिखेंगे, छटाई, इसके बाद दोनों जो रिक्त विकल्प हैं वहाँ हम लिखेंगे बर की छटाई, रेशों की रंगाई। प्रश्न 6 है, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो रेशम के उत्पादन से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से रेशम कीट के जीवन चक्र की 2 अवस्थाएं यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। पहला है रेशम कीट, दूसरा है कोकून में विकासशील कीट। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पत्ति से संबंधित हैं।
रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्ष पालन, वनवर्धन। संकेत फर्स्ट, रेशम उत्पादन के शहतूत में शहतूत के पत्तियों की खेती और रेशम कीटों का पालन सम्मिलित है। सेकंड, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इस शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो शब्द रेशम उत्पत्ति से जो संबंधित हैं उसका उत्तर है रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। आज अभ्यास प्रश्न में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।